तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई कॉर्नर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप आधार के लिए एग्ज़ाम कहाँ से दें। इसके लिए आप अपने ब्राउज़र में डालिए आधार एग्ज़ाम। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए NESITexam.com। यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र, उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल डाल दीजिए जैसे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आप अगर पासवर्ड अगर भूल जाते तो उसके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ पे डालिए कैप्चर कोड। सबमिट, ये देखिए आप यहाँ पे यूज़र आईडी आ गया है। तो इसको आप या तो कॉपी कर लीजिए या कहीं पे नोट कर लीजिए। मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद क्लिक लॉगिन पे। यहाँ पे आपका जो है अकाउंट क्रिएट कर दिया गया है। आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद पेस्ट, यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ। अब साइन इन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इंस्ट्रक्शन। आप सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं अगर आप चाहे। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आती तो आप यहाँ से इसको प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से कॉपी कीजिए और सीधे चले जाइए अपने मोबाइल के अंदर। आप एक ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट मैंने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ओपन, यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए ये यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरह से समझाया गया है कि किस तरह से किया जाए। इसमें आप देख सकते हैं। ये सब पढ़ने के बाद आप कंटिन्यू पे कंटिन्यू कर दीजिए इसको। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स, आप कितनी तक पढ़े, इसमें कम से कम HSC पास होना ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम किस लिए देना चाहते हैं, UIDAI सर्टिफिकेट ऑफ ऑपरेटर सुपरवाइज़र के लिए या चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए, मतलब अगर आप बच्चों का निकालना चाहते हैं या बड़ों के लिए। इसमें आपको और एक बता देता हूँ मैं आपको, ये जी मैं ऑपरेटर के लिए निकाल रहा हूँ। इसके अंदर आपको जो ऑपरेटर और सुपरवाइज़र दोनों का ही दिया हुआ है। अगर आप 40% से कम लाते हैं परसेंटेज तो आपको फेल सर्टिफिकेट आएगा। अगर 40 या 50 यानी कि 40 और 50% के बीच में अगर लाते हैं तो ऑपरेटर, और 50 के अगर आगे अगर आप सक्षम हो जाते हैं लाने में तो आपको जो है ऑपरेटर और सुपरवाइज़र दोनों का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ध्यान रहिए कि आप उसमें थोड़ी सी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम लैंग्वेज, यहाँ पे आप एग्ज़ाम लैंग्वेज दी हुई है आप उसमें सेलेक्ट कर दीजिए। जिस तरह के आसाम है, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नडा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, तो हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एजेंसी का कोड डालना है
कि आप किस एजेंसी के थ्रू काम करना चाहते हैं। तो ये आप यहाँ पे सीधे सीधे रिक्वायरमेंट्स डाल दीजिए जो कि सभी पे अवेलेबल है, और आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना ज़रूरी है। मैंने एग्ज़ाम दे दिए तो मैं यहाँ पे चाइल्ड के लिए ले लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता भी देता हूँ अपना सर्टिफिकेट किस तरह से मिल जाता है। तो एक बार आप देखिए इस तरह से सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिस तरह मैंने यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाया था फ़ोटो, तो यहाँ पे आप नोट कीजिए, यहाँ इस जगह पे यहाँ पे अपना आपको आईडी दिखाई देगा जिससे आप रजिस्ट्रेशन किया था। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपको इस कंपनी का लोगो दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, जो मैंने अपना नाम डाला है रामदेव शर्मा नाम से, उसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे ये सुपरवाइज़र मतलब ऑपरेटर और सुपरवाइजर दोनों का काम मेरे को मिल चुका है। जो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दिया जाता है कि कब आपने एग्ज़ाम दी थी, उसका टाइम भी यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप HSC डालते हैं यहाँ पे HSC आएगा, अगर ग्रेजुएशन डालते हैं तो ग्रेजुएट आएगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज आएगी, चूँकि सर्टिफिकेट पे लैंग्वेज दिखाई देगी आपको कि आपने किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दी है। ठीक है, इस तरह से आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद आपको UID या AID नंबर आपको डालना अनिवार्य है। उसके बाद अपना डिटेल्स डाल सकते हैं अपना, जिस तरह से मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपना एड्रेस, अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे मेल फीमेल या अदर। यहाँ पे एक टिक मार्क कर दीजिए अगर आपका एड्रेस सेम हो, अगर अलग एड्रेस है आपका तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद अपना स्टेट, चूँकि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र डाल देता हूँ। उसके बाद टाउन, पिन कोड डालना ज़रूरी है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी अपने आप ही आ जाएगा, अगर कुछ आपको चेंजेस करना है तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ट्रेड नंबर डाल सकते हैं जो कि अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल, उसके बाद सेव अपडेट, अपडेट जो है यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो उसके बाद कंटिन्यू, आपको जो है अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे फ़ोटो जो है अपलोड हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है अपना इमेज डालना है, जो कि सिग्नेचर का इमेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है इनको। अब देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर जो है अपलोड करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चूज फाइल, आप सिग्नेचर का जो है फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे अभी जो है सिग्नेचर का किया था फ़ोटो, अभी इसको मैं एक बार क्रॉप करके दिखा देता हूँ आपको।
इस तरह से मैंने उसका फ़ोटो निकाल लिया। अब इसको क्रॉप कर लेंगे, इसके अंदर एडिट में जाइए अपने फ़ोन में, उसके बाद एडजस्ट, अब इसको क्रॉप कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं, अप्लाई, उसके बाद इस तरह से कर दीजिए, इस पर सेव पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद इंटरनेट पे चूज़ फाइल कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसके बाद इसको अपलोड कर दीजिए। ये अपलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये इसकी साइज़ जो है वो 30 KB तक होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसकी साइज़ जो है कम कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन में रिसाइज पिक्चर, ये जो एंड्रॉयड ऐप है वो आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद सेलेक्ट पिक्चर, उसके बाद ऐसे पिक्चर सेलेक्ट कीजिए। सॉरी, आपको बता देता हूँ एक बार, कभी कभी ये काम नहीं करता है, तो इसलिए आप टेक पिक्चर कर दीजिए, उसके बाद आप उसका पिक्चर निकाल दीजिए। उसके बाद ओके, इसके अंदर क्रॉप का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया, तो एक बार फिर से हम जो है इसको अपने गले से लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से जो है अपलोड इसके अंदर नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें गैलरी के अंदर से आप देख सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए, थोड़ा वक्त लगता है इसको, 2-3 बार करने से ही आता है इसके अंदर, क्योंकि ये फ्री ऐप्स है। उसके बाद यहाँ पे आप रिसर्च पे क्लिक करके सो इसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 10 KB दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो उसको चेक करके आप सेव कर दीजिए। ये जो है SD कार्ड के अंदर रिसर्च फोट पिक्चर बोल के सेव हो चुका है। इसके अंदर आप SD कार्ड के अंदर देख सकते हैं, डिवाइस के अंदर रिसर्च पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद आप अपने नेट पर वापस चले जाइए, उसके बाद चूज़ फाइल, माइल फाइल्स के अंदर अभी जो हमने किया था उस पर क्लिक कीजिए और डन। ये जो देखिए अपलोड हो जाएगा, ये देखिए अपलोड हो चुका है। इसके बाद कंटिन्यू, ये देख लीजिए एक बार आप पूरा इसका रिव्यू देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। जिससे आप देख लेते हो अभी अपना नाम, मेरे को जो है अब देखिए मेरे नाम में मैंने थोड़ा कैपिटल स्मॉल कर दिया है, तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। सेव अपडेट एंड कंटिन्यू, कंटिन्यू।
इसके अंदर आप अपना ये फ़ोटो भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद एक बार चेक कीजिए, अपना सिग्नेचर एक बार चेक कीजिए। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेरा सब कुछ सही है तो मैं उसको प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एग्री के बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसके बाद अपना पेमेंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना बैंक सेलेक्ट कीजिए। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में एक ही बैंक दिया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको ये जो पेमेंट है ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको ये ऑफलाइन करना होगा बैंक के अंदर जाके। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना रिसिप्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अभी जो है आप देख सकते हैं मेरा रिसिप्ट डाउनलोड हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस तरह से रिसिप्ट है। एक दो तीन, तीन तरह से आता है वो, तीन डुप्लीकेट फॉर्म में। एक रिसिप्ट जो है बैंक वाला, जो बैंक का मैनेजर या बैंक में जो पैसे आपसे लेगा वो रख लेगा। दो रिसिप्ट जो है आपको भर के देगा। इस पर ध्यान रखिए अपना नाम इसके अंदर जो है सही से लिखा हुआ आना चाहिए। जहाँ से आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स मेरा फिल हो चुका है इसके अंदर अपने आप ही डिफ़ॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे नीचे जिस के लिए आप लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम और कोड, जो कि बैंक का मैनेजर या बैंक का जो ऑपरेटर है वो खुद भर लेगा। उसके बाद यहाँ पे जनरल नंबर देगा। उसके बाद भर रहा है आप जो है ये बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के बाद फिर से अपने साइन इन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना नंबर जो कि आपको दिया जाएगा, उसका डेट, ब्रांच नेम सब कुछ यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। दो से तीन दिन के बाद आपको जो है इसके अंदर बुक माई सीट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंदर अलग अलग डेट्स दिए हुए होगी। आप जो भी चाहे अपने हिसाब से डेट इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको प्रिंट निकाल के, उसका प्रिंट निकाल के आप अपना जो एग्ज़ाम सेंटर में जा सकते हैं। उसके बाद आपको जो स्टडी मटेरियल जो है कहाँ से अवेलेबल होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक बात आपको ख़ास बताना ज़रूरी है, जो कि आप अगर इसके अंदर गलती से भी अगर कोई एग्ज़ाम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर कोई गलती कर दी आपने एग्ज़ाम लैंग्वेज सेलेक्ट करने में, जैसे इंग्लिश में सेलेक्ट कर दिया आपको और आपको जो है मटेरियल नहीं मिल रहा या कुछ प्रॉब्लम आ रही इंग्लिश में देने के, आप अगर हिंदी में देना चाहते या और दूसरे लैंग्वेज देना चाहते तो आप अपने सेंटर से भी उस लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑपरेटर को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है मेरी लैंग्वेज चेंज करके दीजिए। वहाँ पे अगर आप जिस कंप्यूटर पर बैठेंगे उसके ऊपर ही लैंग्वेज सेलेक्ट का ऑप्शन दिया होगा, तो आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हो उसके अंदर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कीजिए आधार एग्ज़ाम स्टडी मटेरियल। यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे सब कुछ स्टडी मटेरियल दिया हुआ है। एक बार आप उसके अंदर देख सकते हैं, हिंदी में चाहिए या आपको इंग्लिश तमिल सबके अंदर दिया हुआ है पीडीएफ में। तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आप जिस कंपनी के थ्रू आप दे रहे हैं NICTCSC.com, इस वेबसाइट से भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक www.nictcsc.com। इसके अंदर आपको इंग्लिश और हिंदी के अंदर मटेरियल मिल जाएगा। हिंदी के अंदर 7 मॉड्यूल है, इंग्लिश के अंदर 7 मॉड्यूल है और हिंदी के अंदर सिर्फ 2 मॉड्यूल है। आप यहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं या अपने ड्राइव पे, यहाँ से ड्राइव पे सेव कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखा रहा है, मैं उसको सेव कर लेता हूँ ड्राइव पे।
उसके बाद आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे दो नंबर मॉड्यूल देख लीजिए, इसको मैं अपने ड्राइव पे सेव कर लेता हूँ, जो कि भविष्य में या कभी भी मेरे को अगर पढ़ना हो तो मैं पढ़ सकूँ। इसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद एग्ज़ाम में जाइए। इतना भी एग्ज़ाम जो है MCQ टाइप में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एग्ज़ाम भी इतना हार्ड नहीं है। थोड़ी पढ़ाई करके जाइए आप तो इजीली पास हो जाएंगे। थैंक यू।